है ना, जापान को समझ आ गया है कि मुझे चाइना को काउंटर करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, साथ में अपने जो नेबरिंग कंट्रीज है उनसे हेल्प लेनी पड़ेगी, और उसको यूएस के ऊपर डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी, क्योंकि चाइना सुधरने वाला है नहीं, दैट दे हैव सीन। सो डू यू थिंक जापान विल मेक न्यूक्लियर वेपन्स इन द फ्यूचर? देखिए न्यूक्लियर वेपन तो नहीं बनाया, न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ये है ना कि क्योंकि उसके पास उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है, सेंक्शन लगेगी सब कुछ है, दे वोंट गो न्यूक्लियर, आई डोंट थिंक। सिर्फ न्यूक्लियर के लिए कौन जा रहा है, एक ही कंट्री जा रही है, दैट इज ईरान, और ईरान जस्ट दूसरा है हाँ ईरान को तो यस सर, उन्होंने यस सर, यस सर, इज़राइल करने नहीं देगा ईरान को अभी रिसेंट। हाँ लगा हुआ है, तो लगा हुआ है इसराइल, लगा हुआ है बिकॉज उसकी अपनी एग्जिस्टेंस उसके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ यह हिरन में आप क्या कहना चाहते हैं सर, वन मोर कि थिंग, पेमेंट कर द पाकिस्तानी आर्मी हैव ट्रांसफरिंग द टेक्नोलॉजी ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब, मेक न्यूक्लियर बॉम्ब, बट फर्स्ट दे वुड से दे वी गोना यूज इट फॉर सिविलियन पर्पस विद द देयर रशिया इज आल्सो देयर। ओके हु टू विद पाकिस्तान, यस विद पाकिस्तान सप्लाइंग द बॉम्ब फॉर टू टर्की। देखो मैं तो तुम्हें एक बार बता दूं कि जब पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर का जो प्रोजेक्ट है इसके ऊपर द मेन कंट्री हु हैड सपोर्टेड पाकिस्तान वाज द अमेरिका। पाकिस्तान पे उस टाइम में जब इनका न्यूक्लियर का प्रोजेक्ट था उस टाइम पे नंबर ऑफ ट्रक्स ट्रक्स जिसमें न्यूक्लियर का जो मटेरियल मिसाइल वगैरह जो भी जाती हैं दे वेंट फ्रॉम ऑल ओवर द यूरोप टू पाकिस्तान और वो अमेरिका ने भिजवाए। और पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके अंदर अमेरिका का इनिशियली बहुत बड़ा हाथ है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली द CIA। फिर पाकिस्तान और जो उसको चाइना ने हेल्प किया मीन्स पाकिस्तान एंड नॉर्थ कोरिया, इनकी आपस की सपोर्ट है, तो रशिया का इसमें कोई रोल नहीं हो सकता, रशिया इसमें रोल भी नहीं करेगा, रशिया को पाकिस्तान को लाइक नहीं करता। सर रशिया सिविलियन पर्पस वो न्यूक्लियर सॉरी न्यूक्लियर फैसिलिटी बनाना चाहता है, पावर फॉर पावर प्रोजेक्ट, इट्स अ पावर प्रोजेक्ट फॉर रशिया, अमेरिका इज ट्रांसफरिंग द यूज द यूरेनियम यूरेनियम टू मेक बॉम्ब्स, पाकिस्तान हेल्पिंग दैट। देखो आई डोंट नो हिरन में क्या है कि बेसिकली पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने चाइना के साथ सीपीसी बनाया। ओके सीपीसी के अंदर क्या था, सीपीसी के अंदर ये था कि आप रोड बनाएंगे, सिर्फ रोड बनाने का काम नहीं था या इनका वो पोर्ट का डेवलपमेंट नहीं था, तो उसके अंदर काफी प्रोजेक्ट थे जिसके अंदर इनकी इंडस्ट्री पावर प्लांट्स वगैरह। और चाइना ने क्या किया, पाकिस्तान के अंदर जितने पावर प्लांट्स बनाए वो कोल बेस्ड थे। आजकल पावर प्लांट किस पे बनते हैं, वो बनते हैं या तो आपका क्या कहते हैं डैम्स के थ्रू या न्यूक्लियर या आपका क्या कहते हैं इसका सोलर, और कोल का सबसे महंगा होता है, वो कोल भी चाइना से आएगा। तो पाकिस्तान के पास अब जो न्यूक्लियर बनाने के लिए कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं है पाकिस्तान के, कहाँ पैसे हैं उसके पास। तो अमेरिका और मुझे नहीं लगता कि रशिया इस एक्सटेंड तक जाएगा कि पाकिस्तान। यू थिंक रशिया इज पोस्चरिंग, डू यू थिंक इंडिया भी रशिया के साथ ग्रेट प्लान कर ले जाएगी, पहले ऐसा कि 1971 में जो है कि रशिया के साथ जो मिस्टर मलिया क्या था, लेट मी लिसन टू मिस्टर आशु फर्स्ट व्हाट ही वाज सेइंग देन आई विल कम बैक। आई वांट टू आस्क यू, अभी रशिया ने रिसेंटली बोला है कि अमेरिका पाकिस्तान को आर्म्स वो सेल करेंगे, और तो यू थिंक इस पोस्चरिंग कर रहा है क्योंकि इंडिया अमेरिका के साथ बहुत क्लोज हो रहा है अभी। तो बेसिकली देखिए यही बात है कि बेसिकली हर एक कंट्री ना एक दूसरे को पुश एंड पुल करती है, उसको लगता है कि इंडिया उसके पास जा रहा है तो मैं इंडिया के दुश्मन के पास जाऊँ, अदरवाइज रशिया ने कभी पाकिस्तान को एनकरेज नहीं किया। तो ये जरूर है कि रशिया यही चाह रहा है कि इंडिया उसके कैंप में वापस आ जाए, और लेकिन इंडिया के साथ मजबूरी ये है कि इंडिया उनके कैंप में जा नहीं सकता बिकॉज ऑफ थ्रेट फ्रॉम चाइना, इसके उसको क्वाड पे जाना पड़ता है। लेकिन अगर इंडिया के डिप्लोमेसी यहाँ पे सक्सेसफुल हो गई दैट दे आर एबल टू कन्विंस द यूएस की लिफ्ट सैंक्शन फ्रॉम रशिया एंड डोंट अलाउ रशिया टू गो टू द चाइनीज आर्म, तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा सक्सेस होगा, दैट विल सर्व द पर्पस, दैट विल बी गुड फॉर रशिया, दैट विल बी गुड फॉर इंडिया इन द आर्म्स ऑफ चाइना। यू डोंट थिंक इट्स ऑलरेडी? नहीं नहीं इट्स नॉट, बिकॉज रीजन क्या है कि रशिया कुछ तो रशिया को देखो सामान बेचना है, उसको पैसा भी चाहिए, इसलिए वो चाइना के साथ जाता है। लेकिन रशिया फिर भी हेजिटेंट है चाइना को देने को, उसको पता है उसका वार चाइना से भी हो सकता है। लेकिन दूसरी बात क्या है कि आप देखिए दोस्ती क्या होती है, दोस्ती तब होती है जब आपके हमारे रशिया के साथ बेसिकली कोई डिस्प्यूट नहीं है, चाइना रशिया के एरिया को क्लेम करता है, चाइना वहाँ जो रशियन रिपब्लिक्स हैं उस पर तंगी करता है, ताजिकिस्तान का हिस्सा मांगता है, तुर्कमेनिस्तान को तंग करता है, फिर तो इसलिए रशिया कभी चाइना पे को फेर नहीं करता, लेकिन उसकी मजबूरी है, यानी कि अमेरिका ने रशिया को चाइना की आर्म में भेजने की तैयारी की।
और ये कुछ थिंकिंग भी चली थी, इंडियन थिंकर्स ने ये बात भी कही थी कि रशिया को आप इतना कॉर्नर मत करिए कि वो चाइना के साथ चला जाए। और ये जरूर है कि जैसे हमारी S-400 मिसाइल, इसके ऊपर कहीं बात हो रही थी कि इस पे यूएस इंडिया पे सैंक्शन लगा सकता है, लेकिन वहां के जो इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनकी पावर में है, सेनेट बैठे, उन्होंने कहा अगर आप इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे यू विल डिस्ट्रॉय, यू विल बी लूजिंग ए गुड पार्टनर, क्योंकि इंडिया उनका एक बहुत बड़ा एलाई है एशिया के अंदर अगेंस्ट चाइना, तो इसलिए वो इंडिया पे लगा रहे। देखिए इंडिया को रशिया से क्या है, देखिए हमको कुछ शिप्स चाहिए, हमको सबमरीन चाहिए, सबमरीन हम न्यूक्लियर पावर सबमरीन हम रशिया से लेते हैं जो $3 बिलियन की पड़ती है, हमको रशिया से कुछ और चीजें जरूरी हैं कि नेचुरली स्पेयर पार्ट चाहिए क्योंकि हमारे सारे प्लेन्स वगैरह वहां के हैं, और हम रशिया से टैक्स भी आते हैं वो भी चाहिए। इसके साथ आप देखिए अमेठी में हमारा पावर प्लांट लगा है जहां पर गन्स प्रोड्यूस होती है, वो सारी की सारी रशिया के साथ लगा है, हमको रशिया से हमारा उसके साथ एक अलाइनमेंट है, जैसे हमारा ब्रह्मोस मिसाइल है वो हमारा आपस में ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, रशिया इंडिया का प्रोजेक्ट है, तो हमारी रशिया की मिसाइल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है, तो फिर रशिया ने इंडिया के अंदर न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाए जिसको हमेशा हमेशा इंडिया के पास इतनी वो नहीं है कि इंडिया रशिया के साथ टोटली दुश्मनी ले ले या वो हो जाए, और हो सकता है इंडिया को F-35 चाहिए भी ना। अब देखिए दिक्कत क्या है, मैं सोचता हूँ हमारे पास एक तो हमारे पास प्लेन है वो है रशियन प्लेन, दूसरे प्लेन हमारे पास है वो है हमारे पास फ्रेंच प्लेन, उसके बाद अगर हम थर्ड टाइप के प्लेन्स लेंगे, थर्ड कैटेगरी के लेंगे, तो हमारी एक टोटल डाइवर्सिफाई हो जाता है, शायद वो हमारे लिए थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। जो जैसे आपके MiG-21 लगा लीजिए, चाहे उसके बाद सुकोई लगा लीजिए, रशियन टेक्नोलॉजी तो सेम है ना, तो वो मैच करती है। उसके बाद जैसे हमने रफाल लिए हुए, मिराज हमारे पास है, रफाल है तो मैच करते हैं। इंडिया कोशिश कर रहा है कि 5th जनरेशन प्लेन इंडिया के अंदर खुद प्रोड्यूस करें, उसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर इंडिया के पास है पोजीशन होगी तो इंडिया दोबारा से डील करना चाहेगा, कुछ 36 रफाल और फ्रांस से लेना चाहेगा, और बाकी जो प्लेन्स है हो सकता है इंडिया रशिया की तरफ से। जस्ट वन लास्ट थिंग, आई थिंक द बिग प्रॉब्लम अभी है कि अमेरिका डजंट वांट इंडिया टू बी क्लोज टू रशिया, रशिया डजंट वांट इंडिया टू बी क्लोज टू अमेरिका, राइट? सो इट्स अ बिग कॉलंड्रम, मतलब ये प्रॉब्लम काफी है। देखिए बिल्कुल प्रॉब्लम ये है, लेकिन अगर बेसिकली क्या है कि अगर अमेरिका अपना एक रुख अपना ले कि उसको क्या अमेरिका को रशिया को चैलेंज करना है कि अमेरिका को चैलेंज करना है चाइना को, मैं सोचता हूँ कि आज जो सबसे बड़ा थ्रेट है दैट इज चाइना। अगर अमेरिकन्स को ये समझ आ जाती है, क्योंकि अमेरिका के अंदर एक अभी बीच में लोगों ने के साथ पूछताछ भी हुई, पूछा तो वो कहते हैं कि नियरली 45% लोगों ने कहा कि चाइना इज एनिमी नंबर वन, चाइना को काउंटर करना चाहिए, और बाकी 20% समथिंग सेड रशिया। तो अगर अमेरिका की ये पॉलिसी देखता है, अगर चाइना को काउंटर करने को रखता है तो उसको अमेरिका को रशिया को साइड पे रखना पड़ेगा, और वो उससे क्या है कि उससे अमेरिका का फायदा है, रशिया का फायदा है और इंडिया का फायदा है।